हसन, इस वक्त हम मौजूद हैं बिस्प सेंटर मुनावा में, जहाँ पर ये खवातीन आज सुबह से ही हमने फुटेज बनवाई थी और 9 बजे से यहाँ पर बाकायदा लाइनें लगी हुई थी। और ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पैसे देने का सिलसिला शुरू हुआ है और खवातीन हफ्ते के दिन से टोकन लेकर गई हुई हैं। आप मेरे पीछे रश देख सकते हैं, जो यहाँ पर लोग गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसे दिए गए हैं वो लेने आई हैं। और क्या यहाँ पर सिस्टम है, क्या निज़ाम है, आपको दिखाते हैं, आए यहाँ पर मेरे साथ। ये एंट्रेंस है इस दुकान की, जहाँ पर ये बिस्प के सतह से फंड्स लिए जा रहे हैं, यहाँ पर ख्वातीन को बिठाया हुआ है। टोकन का सिलसिला शुरू किया है या नहीं किया, कब से टोकन दे रहे हैं, रास्ता हमारे लिए क्लियर करा जा रहा है। तो आएँ ज़रा अंदर चलते हैं कि किस तरह से आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। तो ये सेंटर है, कैश काउंटर पर ले जाइएगा इधर। क्यों कैश काउंटर का, आपको पता है कैश का काम है हमारा, कैश काउंटर पर जाइए, जो भी आपको क्वेश्चन करने आपने, मैम आप दिखाएँ जो, नो इशू, आप अपना अपना काम जारी रखें। खवातीन आप खवातीन से जितनी मर्जी बात करें, बाहर भी बीमा करें, उससे बात करें, जिससे मर्जी बात करें, नो इशू। मैं आप यकीन जाने वाला तो ठीक ठाक मैं 1 बजे दे एक बजे हाँ जी टोकन मिलिया नहीं टोकन नहीं दिता है वाकब चीज ने इतने बाल है इन्हों ने भी टोकन किसी परसों का किसी चौथ का मैं अगर टोकन तो बगैर ही नहीं जाती सब तेरे नहीं वैसे पूछ रही हूं पैसे काट देंगे नहीं नहीं पैसे 1 रुपया नहीं काटता गरीब बेचारा असि एवें आखिए हाँ मैं सोशल वर्कर हाँ सोशल वर्कर मैं फ्री काम करनी हाँ नहीं नहीं मैं पैसे लैना ही हाँ ठीक है जी। यहाँ पर देखें जी हमने अब तक जितने बिस्प सेंटर दिखाए हैं सारे के सारे बस छोटी छोटी दुकानों पे थे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हॉल है, हवादार है, पंखे लगे हुए हैं और आराम से ख्वातीन जो है वो बेंचेस पर बैठी हुई हैं। वालेकुम सलाम, शुक्र है ठीक ठाक। मैं सुबह से बैठा है, टोकन मिल जाता है फिर घर चले जाते हैं, जब टोकन का टाइम हो जाता है फिर हम आ जाते हैं जी। बारी आ जाती है जी। मैंने अक्सर जगह पर शिकायत देखी है, टोकन से पहले ही लोगों को जाने के लिए आगे ले जाते हैं। नहीं झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे यहाँ नहीं बात करी जी 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 नहीं जी। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम शुक्र अल्लाह जी, मिल गया टोकन, मिल गया। हफ्ते वाले दिन देते हैं, एक दिन में बांट देते पूरे हफ्ते का, तो बारी आ गई आज जी। आपको कौन सा नंबर चाहिए? अभी नंबर मेरा 97। वो हमारा कल के ना अफसर के साइन हुए हैं, उनके चल रहे हैं, तो चलते हैं यानी कि ना अच्छे नंबर चल रहे हैं, सही बारी सही बारी सही चल रही ना। आज कल नहीं आई, कल टाइम खत्म हो गया था, आज दोबारा हम आए। रोज़ के कितने दे रहे हैं, कुछ आइडिया है कितने लोगों को पैसे? नहीं है मुझे। की हाल है तक? ठीक हो? कितने बजे दे आए हो? मैं आई हूँ तकरीबन 12 बजे। 12 बजे दे आए हुए हो, टोकन हफ्ते नू लगा सी? हाँ जी। ये सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, मैं जिस सेंटर की तारीफ बनती है उसकी करनी चाहिए कि यहाँ पर एक दिन पहले दो दिन पहले आपको टोकन तकसीम कर दिया जाता है और उसके बाद फिर आपकी बारी के मुताबिक आपको यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। और हमारे सामने पैसों का काउंटर भी मौजूद है, जहाँ पर वो लोगों को काम कर रहे हैं, जी तारीफ़ें कर रहे हैं लोग, अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारा सिस्टम चलाया जाता है। मेरे पीछे देखें भाई, सामने को भाई पैसे तकसीम कर रहे हैं। और अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी है कि गर्मी और हब्स में यहाँ ख़वातीन परेशान नहीं हो रही, बेबस नहीं हो रही, बाकायदा पंखे लगे हुए हैं, खुला हॉल है। क्योंकि आपको हमने दिखाया पिछले 2 दिन से जो छोटी छोटी दुकानों में सेंटर बनाए हुए हैं, क्या वहाँ पर हाल होता है, क्या धक्कम पेल होती है और यहाँ पर बाकायदा लाइन के तहत काम किया जा रहा है। आप दोनों में से कोई एक बात करना चाहिए? मैं नहीं चाहती कि आप लेट करें, क्योंकि ख़वातीन काफ़ी देर से इंतज़ार। ठीक ठाक ठीक ठाक है। किस तरह से यहाँ पे आप सिस्टम चलाते हो, मुझे बहुत ख़वातीन बता रही हैं आप हफ्ते वाले दिन ही टोकन? जी जी, हफ्ते वाले दिन रश ज़्यादा होता है तो हफ्ते वाले दिन टोकन दे देते हैं, पूरे हफ्ते के टोकन, पूरे हफ्ते के बांट देते हैं, मतलब 5 दिन के बांट देते हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी होती है, सिर्फ हफ्ते को बंद होता है, सिर्फ टोकन के लिए खुला होता है, सिर्फ टोकन उसी दिन देते हैं जिनको लेने होते हैं, वो औरतें उसी टाइम आके 9 बजे टोकन ले लेती हैं। और उसके बाद जिसकी जब बारी आनी होती है वो उस टाइम आए तो उसको अंदर? जी, जिनका नंबर लिखा होता है, डेट लिखी होती है, वो उसके नंबर के साथ अंदर आते हैं। लेकिन खवातीन आज भी सुबह 9 बजे से लंबी लाइन बाहर बैठी हुई थी, हमारे पास वो फुटेज मौजूद है, तो क्यों आती है? टोकन के आई है, बगैर टोकन के आती है, उनको पता नहीं होता कि टोकन, उनको बताया जाता है लेकिन वो नहीं जाती, जिद करती है। मुझे बताएं कितने लोगों को एक दिन में आप लोग पैसे दे? 200 से 250 सिस्टम इतना चल? हाँ जी अच्छा। तो बाकी सेंटर्स हैं वो कह रहे हैं हम 100 से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते, एक औरत पे 4 से 5
जब ट्रांच आती है ना किस्त नई नई रिलीज होती है तो तब सिस्टम पे लोड होता है ज्यादा, तो पहला एक हफ्ता सिस्टम तंग करता है, बाद में स्मूथ हो जाता है। आज सुबह से सिस्टम चल रहा है? ठीक चल रहा है। दौड़ा कितने बजे शुरू किया था? 9 बजे। 9 बजे वो कह रहे हैं आप, उन्हें घंटा पहले किन्होंने कहा है? नहीं नहीं, 9 बजे शुरू किया। हाँ जी, 9 बजे ट्रांजेक्शन हो रही है। 4 बजे तक मुसलसल शिकायतें आ रही हैं लोग? कोई शिकायत नहीं है। कौन सी? फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे या सिस्टम डाउन हो जा? फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, मेरी गलती है। आपकी गलती नहीं है, पूछ रही हूँ कि लोगों की ये कंप्लेन आती है। फिंगरप्रिंट जिसके नहीं आ रहे तो उसको ना। मैंने कब कहा आपका कसूर है? मैं तो कह रही हूँ हुकूमत को पता होना चाहिए ना, जो बेचारी गरीब औरतें इंतजार कर रही हैं, बूढ़ी बुजुर्ग नहीं है। फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, नादरा ऑफिस जाएं वेरिफिकेशन करवाएं, वो एक हफ्ता लगता है दोबारा फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं। अच्छा, एक हफ्ते में दोबारा फिंगरप्रिंट मैच? हाँ जी। करता मैंने ऐसी बुजुर्ग खवातीन को देखा जिनकी फिंगर्स नहीं आती, उनको कोई गाइड ही नहीं कर रहा कि आपने? गाइड करते हैं, ये समझना नहीं चाहती इनको जल्दी बहुत है। कुछ लोग मजबूर होते हैं, कुछ लोग बहस करते हैं, कुछ जिद करते हैं। बड़े सेंटर्स पे शिकायत भी आ रही है कि पैसे काट रहे हैं। काट रहे कोई दिखाएं? ठीक है, चलें भाई आप कंटिन्यू करें, मैं नहीं चाहती आपकी का काम लेट हो। और आप कब से आएंगे? मैं 10 बजे। सुबह 10 बजे टोकन हफ्ते को? हाँ जी टोकन। आज आपकी बारी जी, इंतजार करना पड़ा? जाहिर है थोड़ी देर तो करना पड़ता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये आई रियली लाइक दिस सिस्टम कि आप 2 दिन पहले पूरे हफ्ते के टोकन बांट दें ताकि सबको पता हो कि उसकी बारी कब आनी है, किस टाइम पे आनी है, और उसके अकॉर्डिंगली पैसे देंगे। हाल है? क्या हाल है? ठीक है। कब से आई हुई है? 12 बजे आई हैं। 12 बजे आई सी तो बारी आ गई? बारी आ चली है बाजियाँ दो। नहीं तो टोकन केड़ा नंबर चल रहा है? टोकन 414 नंबर। हाँ जी, बारी आ जाएगी। ये साडा कल दा है टोकन, पहला दा ही है टोकन, हफ्ते दा लिता होया। कल भी आए? हाँ जी। कल बारी नहीं आई, सिस्टम नहीं सी चलिया। पहली बारी पैसे लेने आए हो सेंटर ते या पहले भी इत्थे ही आंदे? पहले गए हैं। पैसे काट देने? नहीं। होली बस? नहीं काटते। नहीं जबरदस्त जी, अच्छी बात है, ये एक बेहतरीन, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मुझे अभी तक कोई कंप्लेन नहीं मिली है कि ये लोग पैसे काट रहे हैं, और ये एग्जाम्पल हो सकता है एज अ मॉडल सेंटर, ये काम कर सकता है बाकी सेंटर्स के लिए जहाँ रिश्वत और करप्शन और हरामखोरी की जा रही है। गरीब औरतों के 10,500 में से 2,000 1,500 काटा जा रहा है, और ऐसी बेशुमार कंप्लेंस हमें रिसीव हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो अंदर खवातीन बैठी हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। और ये जो एक ही हफ्ते के पूरे टोकन हफ्ते के शुरू के दिन यानी कि हफ्ते वाले दिन बांट दिए जाते हैं, और फिर पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा उन्हीं टोकन्स के बेसिस पर आपकी बारी आती है और आपको पैसे दे दिए जाते हैं। दिस कैन बी अ मॉडल सिस्टम, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम होना चाहिए ताकि ये आराम से आएँ, अपनी बारी का इंतज़ार करें, पैसे लें और घर चले जाएँ, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड इट्स एन एग्जाम्पल, हम बार भी जाएंगे, बार जो खवातीन बैठी हैं टोकन के बगैर जो बैठी हैं उनसे भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।